दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। सो दोस्तों आज बात करेंगे ओक्टा एपेक्स के बारे में। ओक्टा एपेक्स में अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको KYC करनी है। KYC जैसे ही आप करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप KYC करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वहाँ पर डिपॉजिट इनेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको डिपॉजिट करेंगे तो डिपॉजिट कैसे करना है वो आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को एंड तक देख जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओक्टा एपेक्स में आप ट्रेडिंग, नॉर्मल ट्रेडिंग कैसे करें, ठीक है, विदाउट रिस्क, ओके। तो आप खुद ही कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। उसके पहले वही बात दोहराऊंगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ओक्टा एपेक्स में तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया है। मिनिमम आप यहाँ पे $100 या फिर $500 डाल के बिगर रिस्क के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, ओक्टा एपेक्स की अगर फर्स्ट बात करेंगे तो यहाँ पे आप जो डिपॉजिट हैं, इंडिया कैश, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, नेट बैंकिंग, इसके अलावा नेट सेलर और स्किल से भी आप कर सकते हैं, और अदरवाइज आप इंडियन बैंक से भी आप कर सकते हैं, ओके। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड कैसे लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे $500 डाले, $500 डालने के बाद में आपको आपके मोबाइल या PC के अंदर एक एप्लीकेशन ओपन करना है, अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। तो एप्लीकेशन का नाम होगा tradingview.com, ओके। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। इसका भी रजिस्ट्रेशन लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो tradingview.com में सबसे पहले आपको आपका चार्ट ओपन करना है। चार्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम जो भी आपको करेंसी शेयर करना है, यानी कि यहाँ पे मैंने XAU यानी कि गोल्ड का मार्केट पर ये कर रखा है, और गोल्ड में लगभग मैं ज़्यादा करता हूँ तो गोल्ड का मैंने यहाँ पे कंफर्म कर रखा है। इसके अलावा टाइम फ्रेम आपको अगर गोल्ड करना है तो 5 मिनट का रखिए, ओके। इसके अलावा एक रेंज फिल्टर लगाइए जिसमें आपको मैंने यहाँ पे अनलॉक कर रखा है, यानी इसको अनलॉक कर देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। रेंज फिल्टर कैसे लगाएंगे वो भी बता देता हूँ। यहाँ से आप जाएंगे थोड़ा FX का एक इंडिकेटर स्ट्रेटजी, ठीक है, ये आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है प्लस के बाजू में, ओके। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है रेंज फिल्टर 5 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको भी आप लगा सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस लगा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, मेरा डबल लग गया है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं रेंज फिल्टर को, ओके। तो यहाँ पे वापस देख सकते हैं, जैसे कि रेंज फिल्टर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट की टाइम फ्रेम को ओपन किया, ओके। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा, नीचे जाऊँगा, मैं कल के मार्केट की हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इसने सिग्नल दिया लगभग यहाँ से, ठीक है, रेंज फिल्टर ने सिग्नल दिया यहाँ से मार्केट गिरा, यानी कि 1747 के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जब भी ये सिग्नल देता है तो स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाना है, यानी कि इस जगह 1749 के ऊपर, और इसने सिग्नल दिया सेल का 1747 और स्टॉप लॉस आपका रहा 1750 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, $3 का लॉस होगा अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो, ठीक है। यहाँ से सेल किया, आपका प्रॉफिट आ गया लगभग 1745 के आसपास, ठीक है, यानी कि $2-3 का आपका प्रॉफिट हुआ। उसके बाद वापस इसने यहाँ से सिग्नल दिया इस जगह से बाय का, यानी कि 1747 के आसपास। उसके बाद में मार्केट अब गया 1751 के आसपास, ठीक है। तो 1751 पे आपने सेल कर लिया, 50 पे $1-2 लेके आपको निकलना है, इस बात पर ध्यान रखिए, अदरवाइज ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ से वापस सेल किया, यहाँ पे उसका प्रॉफिट बुक हुआ 45 के आसपास, 51 के आसपास सेल किया और 46-47 के आसपास प्रॉफिट बुक हुआ। उसके बाद में यहाँ से बाय किया वापस, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से बाय करने के बाद में मार्केट इतना ऊपर गया, यानी कि 1759 के आसपास, तो मार्केट ऊपर गया लगभग 1779 के आसपास, ठीक है। तो इस तरह से आप बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं विदाउट रिस्क, वो भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में, अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको करना है इस रेंज फिल्टर को फॉलो करना है, ओके। जब तक आप रेंज फिल्टर को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, अदरवाइज जब ये बाय बोले तब आपको बाय करना है, जब ये सेल बोले तब आपको सेल करना है,
उसके पहले कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये मेरा कहना है, अगर आप करना चाहते हैं अपने रिस्क के ऊपर, तो डिस्कशन में लिंक दिया है, ट्रेडिंग व्यू का दिया है और ऑक्टापेक्स का भी दिया है, और ऑक्टापेक्स में आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये मैंने गोल्ड का दिखा दिया, अब मैं आपको यहाँ पे कोई दूसरी करेंसी का दिखा देता हूँ, GBP JPY। ओके, तो इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखा है, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ से सेल दिया 150-135 के आसपास, और यहाँ पे एक किलो का प्रॉफिट बुक हुआ। यहाँ से बाय किया 150 के आसपास, और यहाँ से छोटा सा प्रॉफिट हुआ आधे डॉलर के आसपास। यहाँ से सेल किया 150 के आसपास, मार्केट आया 149 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको ज़्यादा नहीं तो भी छोटा छोटा प्रॉफिट यहाँ पे बुक होता है, यानी कि एक दो डॉलर आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। यहाँ से बाय किया, प्रॉफिट यहाँ पे बुक, यहाँ से सेल किया, प्रॉफिट यहाँ पे बुक, वापस यहाँ से बाय किया, यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक, और स्टॉप लॉस आपका उसी के नीचे लगाना है जहाँ से वो सेल बाय करता है। ओके, तो यहाँ से ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको वेट करना है, और यहाँ पे भी आपको वेट करना है। यहाँ पे आपका अगर वेट नहीं करोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होता है, ठीक है। एक मिनट में आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे वेट करना है। यहाँ से बाय किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक, यहाँ से वापस सेल किया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक, इस तरह से आप कर सकते हैं। परंतु टाइम फ्रेम जो है आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ करके रिक्वेस्ट है, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को। अगर आपने ऑक्टापेक्स में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ करके रिक्वेस्ट है, डिस्कशन में वीडियो का ये दिया है, लिंक दिया है ऑक्टापेक्स का, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद में आप डेमो पे खेलिए, डेमो पे खेलने के बाद में आप रियल पे जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।